Hi guys, welcome back. So now in this video, I'm going to start with the next section in which we talk about competition versus collusion. So इसके अंदर ना हम दो तीन चीजें पॉइंट आउट करना चाहते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट जब हम कम्पीट करते हैं तो प्रॉफिट्स जो हैं दे आर लोअर देन द प्रॉफिट अंडर कल्यूजन. लेट्स प्रूव. सो हम अभी वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में लिया था, इन विच वी टॉक स्पोक अबाउट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. वी हैड सेड दैट क्यू वन इज इक्वल टू 12 माइनस 2 पी वन प्लस पी टू एंड क्यू टू इज इक्वल टू 12 माइनस 2 पी टू प्लस पी वन, राइट? एंड वी हैड स्पोकन अबाउट द कल्यूजन प्राइस एंड द प्राइस कॉम्पिटिशन प्राइस, राइट? सो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा नैश इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर जब वो लोग प्राइस कम्पीट कर रहे हैं तो प्राइस कॉम्पिटिशन के अंदर दे आर गोइंग टू चार्ज अ प्राइस ऑफ 4. वन दे चार्ज अ प्राइस ऑफ 4, सो ऑटोमेटिकली वट इज द प्रॉफिट ऑफ फर्म वन? 4 इंटू क्वान्टिटी. क्वान्टिटी विल बी 12 माइनस 2 इंटू 4 इज 8, विच इज 4. 4 प्लस 4 इज 8, सो क्वान्टिटी इज 8 यूनिट्स, right? Minus the fixed cost, which is 20. So 8 into 4 is 32. 32 minus 20 is 12. So the profit the first firm is earning is 12. From the similar logic, profit jo second firm earn karegi, wo bhi 12 hai. This is when they have price competition. On the contrary, jab wo collude karte hain, tab the price they end up charging is the same price, which is 6. You see, the one difference I want to point out. Price competition mein price same aa raha hai, kyunki same डिमांड फंक्शन है. सेम मतलब सिमिलर डिमांड फंक्शन है. तो अगर प्राइस कॉम्पिटिशन में डिमांड फंक्शन अलग अलग होगा तो वो सेम प्राइस चार्ज नहीं करेंगे. सो दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट दिस हैपेंड. अदरवाइज दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल टाइम्स. कल्यूजन के अंदर जब वो कल्यूट करते हैं तो प्राइस सेम होना ही होना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस सेम होगा तभी तो उसको हम कल्यूजन डिफाइन करते हैं. तो उसके अंदर क्यू वन क्या हुआ? Q1 is equal to Q2, again क्योंकि हमारे पास demand curve same है, Q1 is equal to Q2 is 6. So what is my profit of the first firm, which is equal to the profit of the second firm? 6 into 6, 36 minus 20, which is 16. तो अगर वो collude करते हैं तो हमारा जो profit है वो ज्यादा है as compared to the profit they are earning when they are competing with each other, है ना? तो अगर collusion में profit ज्यादा है तो वो collude हमेशा क्यों नहीं करेंगे? Then why don't firms always collude? Why don't firms always collude? There are two, three reasons for it. One, collusion obviously is illegal. Collusion is illegal. But even when collusion is illegal, the other problem that happens is कि अगर वो collusion कर ले, मतलब लीगली क्या वैसे ही आपस में अनसेट अंडरस्टैंडिंग कर लेना, इट्स नॉट लाइक दे हैव टू साइन एन अग्रीमेंट. बिना अग्रीमेंट सेट किए वो तो कल्यूट कर सकते हैं. कल्यूजन अगर अग्रीमेंट के साथ होगा तभी तो गवर्नमेंट इलीगल डिक्लेयर कर रही है ना. अगर आपने साइन ही नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, आपस में वर्बल अंडरस्टैंडिंग कर ली, तब भी तो कल्यूजन वैलिड है, तब भी तो कल्यूट कर सकते हैं. तो कल्यूट उन्होंने कर लिया तब क्या होगा? अ फर्म मे हैव एन इंसेंटिव टू चीट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने प्राइस 6 सेट किया थिंकिंग कि दूसरी फर्म भी प्राइस 6 सेट करेगी. सो यू आर फर्म वन. आपने बोला हमने अनसेट कल्यूजन कर लिया है या हमने नॉट रिटन वर्बल कल्यूजन कर लिया है जहां पे हम दोनों 6 रुपीज चार्ज करेंगे. सो यू हैप्पीली गो हेड एंड फिक्स द प्राइस 6. आपने अपना सारे पैकेजिंग में सब में 6 रुपीज करके आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में निकाल दिया. फर्म टू क्या करती है? फर्म टू चीट्स यू एंड फिक्सेस द प्राइसेस 4 रुपीज. अगर फर्म टू ने आपको चीट करा तब क्या होगा? क्यू वन विल बी 12 माइनस 2 इंटू 6 प्लस 4, विच मीन्स 4 यूनिट्स. क्यू टू विल बी 12 माइनस 8 प्लस 6, विच इज 10 यूनिट्स. तो आपका प्रॉफिट कितना रह गया फर्म वन का? 6 इंटू 4 24 माइनस 4 20. फर्म टू का प्रॉफिट कितना हो गया? 40 माइनस 20 विच इज 20. तो फर्म का प्रॉफिट तो फर्म टू का प्रॉफिट जिसने आपके साथ चीट किया उसका प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा हो गया ना आपसे. तो इसीलिए कोई भी फर्म जो है वो अनरिटन कल्यूजन में नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि दूसरी फर्म चीट कर सकती है. इसीलिए ऑल्दो कल्यूजन गिव्स अ हायर प्रॉफिट, collusion gives a higher profit, then also firms end up not colluding with each other. इस वाली चीज को देखते हुए हमारे पास दो तरह की गेम सामने आती हैं, which is your non-cooperative and cooperative game.
कोऑपरेटिव गेम होती है कल्यूजन, जब आप कल्यूड करते हो। नॉन कोऑपरेटिव गेम होती है जब फर्म अपना इंडिपेंडेंटली डिसाइड करती है कि वो सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। तो इसके लिए हम एक पे ऑफ मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, हम उसके उसे समझेंगे। सो यू नो पे ऑफ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर एज वेल। तो हमारे पास दो फर्म्स हैं, फर्म वन एंड फर्म टू। Firm 1 has a choice of charging a 4 rupees or a 6 rupees. Firm 2 also has a choice either of charging a 4 rupees or a 6 rupees. When firm charges a 4 rupees and the second firm is also charging a 4 rupees, then the profit first firm can earn is 12 rupees. This is when they are in competition with each other. They both will charge a 4 rupees. They will both earn a profit of 12, right? So, jo first payoff hota hai, wo first firm ka hota hai. Jo ye second payoff hota hai, ye second firm ka hota hai. Okay? The first payoff is of first firm, the second payoff is of the second firm. अगर first firm 6 rupees charge करती है, जब second firm 4 rupees charge कर रही है, तो first firm के पास सिर्फ 4 rupees का profit आता है, और second firm के पास 20 rupees का profit आ जाता है। और अगर situation reverse होती है, first firm 4 rupees charge कर रही है, जब second firm 6 rupees charge करती है, तो first firm के, so you know, we are, this is the first firm, this is the second firm. So first firm is here and here. The second firm is here and here, right? So when the first firm is charging a 4, when the second firm is charging a 6, then the first firm earns a profit of 20 and the second firm earns a profit of 4. Agar dono collude karti hain aur dono 6 ki 6 ka hi price charge karti hain, then both the firms earn a 16. Now what happens? Agar first firm ko pata hai ki second firm 4 rupees charge karegi, तो फर्स्ट फर्म को पता है कि उसके पास चॉइस सेट तो यही है ना, क्योंकि 6 तो वो चार्ज नहीं कर रही, वो तो 4 ही चार्ज कर रही है। अगर फर्स्ट फर्म को पता है कि सेकंड फर्म सिर्फ 4 रुपीज चार्ज कर रही है, तो उसको पता है उसका सेट ये है। सो इफ यू आर फर्म 1 एंड यू नो फर्म 2 इज चार्जिंग 4 रुपीज, देन यू नो यू कैन चार्ज अ 4 एंड अर्न अ 12, और यू कैन चार्ज अ 6 एंड अर्न अ 4। आप या तो 4 चार्ज करके 12 अर्न कर सकते हो, या 6 चार्ज करके 4 अर्न कर सकते हो। आप क्या चार्ज करोगे? आप 4 चार्ज करोगे, बिकॉज इट इज गिविंग यू हायर प्रॉफिट। सो अगर आपको पता है सेकंड फर्म इज गोइंग टू चार्ज अ 4, यू विल रादर आल्सो चार्ज अ 4 एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12। सिमिलरली अगर आपको पता है कि फर्म 2 जो है, लेट मी जस्ट इरेज दिस, फर्म 2 जो है वो 6 चार्ज कर रही है, अगर आपको पता है कि फर्म 2 जो है वो 6 चार्ज कर रही है, तो आपके पास ये सेट है, तो आपके पास ये सेट है, then what will you do? You can charge a 4 and earn a 20, or you can charge a 6 and earn a 16, but you rather again charge a 4. So which means that irrespective of what firm 2 does, irrespective of what firm 2 does, aapke liye zyada fayda ka kya kisme hai ki aap 4 charge karo, kyunki jab aap 4 charge karoge tab chahe firm 2 4 charge kare chahe firm 2 6 charge kare, aapka profit to zyada hi hai na. So when you're charging a 4, then whether firm 2 charges a 4 or a 6, you are still getting a higher profit. So it makes sense for you to charge a 4. So charging rupees 4, so for firm 1, charging rupees 4 is a dominant strategy. Why is it a dominant strategy? Because irrespective of what the other firm does, just listen to my words very carefully, irrespective of what firm 2 does, aapke liye beneficial kya hai ki aap 4 rupees charge karo. So firm 1 ke liye beneficial is 4 rupees. Theek hai? Similarly, let's look at firm 2. Firm 2 says agar firm 1 jo hai wo 4 charge kar rahi hai, to firm 2 ke paas choice set kya hai? Ye hai na? Kyunki agar wo 4 charge kar rahi hai, to uske paas choice set ye hai. तो फर्म 2 4 चार्ज करके 12 अर्न कर सकती है, या 6 चार्ज करके 4 अर्न कर सकती है। फर्म 2 क्या चार्ज करेगी? फर्म 2 इज गोइंग टू चार्ज अ 4 एंड अर्न अ 12। सिमिलरली अगर फर्म 2 को पता है कि फर्म 1 6 चार्ज कर रही है, तो फर्म 1 इधर है, देन फर्म 2 कैन अगेन चार्ज अ 4 एंड अर्न अ 20, और चार्ज अ 6 एंड अर्न अ 16। फर्म 2 विल चार्ज अ 4 एंड अर्न अ 20, राइट? व्हिच मींस फर्म 2 के लिए भी चार्जिंग रुपीज 4 इज अ डोमिनेंट स्ट्रेटजी, व्हिच मींस दोनों जो फर्म्स हैं वो क्या चार्ज करेंगी? 4-4 ईच, एंड दे विल एंड अप हियर। सो दे नो दे बोथ कैन कल्यूड एंड कम हियर, बट बिकॉज चार्जिंग रुपीज 4 इज ईच ऑफ देयर डोमिनेंट स्ट्रेटजी, दैट इज व्हाई दे विल नॉट कम हियर, दे वुड रादर गेट स्टक हियर, क्योंकि उनको पता है कल्यूड करेंगे भी
तो अगर फर्म वन एंड टू ने डिसाइड किया हम सिक्स सिक्स चार्ज करेंगे और दोनों सिक्स सिक्स चार्ज कर रहे हैं, देन फर्म टू हैज एन इंसेंटिव टू शिफ्ट फ्रॉम अ सिक्स, फर्म टू हैज एन इंसेंटिव टू शिफ्ट फ्रॉम चार्जिंग अ सिक्स टू चार्जिंग अ फोर. फर्म टू के पास इंसेंटिव है ना कि अगर उसको पता है दोनों ने डिसाइड किया सिक्स सिक्स चार्ज करेंगे, अगर फर्म टू सिक्स से फोर पे शिफ्ट कर जाती है और फर्म वन तो सिक्स पे ही रहेगी तो ट्वेंटी प्रॉफिट हो जाएगा. सिमिलरली अगर फर्म वन के फर्म वन को पता है कि फर्म टू सिक्स चार्ज कर रही है, फर्म वन कैन शिफ्ट फ्रॉम अ सिक्सटीन टू अ फर्म सिक्स टू अ फोर, देन अर्न अ हायर प्रॉफिट. ठीक है, I'm sure this is clear. If this is not, just do it one or two more times, it will be. The thing is, firm 1 moves like this between 4 and 6. Firm 2 moves like this between 4 and 6. First payoffs are all firm 1s. Second payoffs are all firm 2s. Okay. So this game is modeled on a very famous game called a prisoner's dilemma. This game is modeled on a very famous game called prisoner's dilemma. तो प्रिजनर्स डिलेमा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. आपको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है प्रिजनर्स डिलेमा से. सो इसका द बेसिक इज कि दो प्रिजनर्स हैं हु हैव बीन कॉट फॉर अ क्राइम. देर आर टू प्रिजनर्स हु हैव बीन कॉट फॉर अ क्राइम. ईच वन इज आस्क्ड टू कॉन्फेस. अगर दोनों में से कोई भी कॉन्फेस नहीं करता है तो क्या होगा? अगर दोनों कन्फेस करते हैं तो क्या होगा? अगर दोनों कन्फेस करते हैं तो उनको फाइव ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगी. अगर कोई भी कन्फेस नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली उनके अगेंस्ट केस बिल्डअप नहीं होता है तो दोनों को दो साल की सजा मिलेगी. और अगर वन कन्फेस करता है और दूसरा नहीं करता है, अगर वन कन्फेस करता है और दूसरा नहीं करता है तो जो कन्फेस करता है उसको सिर्फ एक साल की पनिशमेंट मिलेगी और जो दूसरा है जो कन्फेस नहीं करता है उसको दस साल की पनिशमेंट मिलेगी. राइट अगर हम देखें फ्रॉम अ वेरी लॉजिकल स्टैंड पॉइंट तो दोनों के लिए फायदेमंद ये बात है कि वो दोनों कन्फेस ना करें और दोनों को सिर्फ दो साल की ही इम्प्रिजनमेंट मिले. दोनों कन्फेस ना करें और दोनों को सिर्फ दो साल की ही इम्प्रिजनमेंट मिले. सो दे कैन बोथ डिसाइड टू कल्यूड एंड देन ऑब्वियसली दे विल गेट लेसर टाइम इन द प्रिजन. बट वी विल सी, वी विल लेट्स मेक दिस मैट्रिक्स एंड सी व्हाई दैट मे नॉट हैपन. सो वी हैव टू प्रिजनर्स, प्रिजनर वन प्रिजनर टू. Prisoner 1 has an option of either confessing or not confessing. Prisoner 2 also has the option of confessing or not confessing. When both confess, they get 5 years in jail. So minus 5 out of their life. So minus kyun? Kyunki jail mein hai na. It's like not a free time, it's jail time, right? When both are not confessing, they both get 2 years in jail. When the first person is not confessing but the second person is confessing, then the person who is not confessing is getting 10 years in jail and the person who is confessing is getting 1 year in jail. And similarly, when first is confessing and the second is not, then first gets 1 year in jail and the second gets 10 years in jail. So now, since it's minus figures and there are the years in prison, we would want to minimize the years in prison. Hum dekhenge na sabse kam years in prison kiske paas ho rahe hain. Let's see. When the second person is confessing, the first person should not confess or confess. Confess, 10 साल कौन जाएगा जेल में जब 5 साल में छूटता है तो. अगर second person confess नहीं कर रहा है, तब अगर first confess नहीं करेगा तो 2 साल में जाएगा. अगर कर लेगा तो 1 साल मिलेगा. So he should confess. So confessing is a dominant strategy for prisoner 1. Right? Similarly, when the first person is confessing, the second person can confess or not confess? He will confess. When the first person is not confessing, the second person can also confess or not confess? They are confessing. So which means that confess is also a dominant strategy for prisoner 2. So they will end up here. So they will both end up confessing and go for 5 years in prison. They can both decide not to confess and be here. But usme kya hoga? उसमें क्या होगा? हालांकि वो कोऑपरेट करके कम साल ले सकते हैं, पर उसमें क्या होता है कि हर एक के पास एक इंसेंटिव होता है कन्फेस करने का, फिंक करने का, ताकि वो अपने कंपेटिटर को अंडरकट कर पाए. तो विच मीन्स अगर वो दोनों डिसाइड करके यहाँ पे आ भी जाते हैं तब भी दोनों के पास एक इंसेंटिव रहता है यहाँ से यहाँ मूव करने का या यहाँ से यहाँ मूव करने का. सो बाय शिफ्टिंग फ्रॉम नॉट कन्फेसिंग टू कन्फेसिंग दे कैन रिड्यूस देयर टाइम इन द प्रिजन. Right. Now, so since you've done prisoner's dilemma, in the next section, hum log implications study karenge. But this as a concept is very, very important.
So make sure that you've understood it. Okay, I'll see you in the next video. Thank you.